Hey guys, welcome back to my channel Craft Aesthetics. So आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर लिया था एंड देन मैंने उसे वाटर से जो है अच्छे से ग्रीस कर लिया था एंड एकदम अच्छे से जो है वाटर से ग्रीस करने के बाद मैंने उसको कलर किया। तो पहले तो मैंने इसे डार्क ग्रीन कलर लिया, डार्क ग्रीन, एंड मैं उसे भी अच्छे से जो है अच्छे से येलो कलर लिया है, उसे भी अच्छे से कर लेना है। और फिर ये वाला येलो लिया है, उसे भी अच्छे से कर लेना है। एंड देन मैंने ब्राउन लिया है एंड उसे भी जो है एकदम हमने अच्छे से कर लेना है प्रॉपरली। तो देखिए जो है हमारी कलर जो है वो रेडी हो चुका है एंड देन हम कलर करेंगे इस नाम पे। तो ये मैंने लिया है ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर एंड सो वॉट हो गया। अब हम लेंगे चिड़िया पे, बर्ड पे आने ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने ब्लू कलर लिया है, तो ब्लू कलर को जो है हम पहले करेंगे अच्छे से एकदम प्रॉपरली। तो एंड देन मैंने लाइट पिंक लिया है, तो ये जो लाइट पिंक है वो मैंने रेड एंड वाइट कलर को मिक्स करके बनाया है लाइट पिंक कलर। एंड देन मैंने पर्पल लिया, तो पर्पल जो है मैंने रेड ब्लू एंड वाइट को मिक्स करके बनाया है। तो ये जो है हमारा कलर हो चुका है। देन मैंने इसे वाइट एक्रेलिक से आउटलाइनिंग की है एंड देन मैं ब्लू करूँगी फुल लेग्स एंड जो है हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए जो है ना मैंने इसके मल पे थोड़ी वो शेडिंग कर ली है पर्पल कलर से एंड देन नीचे जो है हम बनाएंगे पेड़, यानी कि पेड़ बनाएंगे नीचे और उसमें फूल जो भी लगा देंगे। सो मैंने जो पेड़ बनाया वो ब्लैक कलर से बनाया है। तो देखिए जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही आप लोगों को एकदम प्रॉपरली से बनाना है। जैसे कि हमारा हो गया है देन मैं इस सो आप जो है ना फ्लावर बनाने के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्लावर में क्या है कोई भी कलर चलता है, एक ही कलर नहीं है ना। सो मैंने तो वैसे वाइट ही लिया क्योंकि मैंने सोचा ब्लैक पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए। सो वैसे आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे रेड, पिंक, येलो, ब्लू, कोई भी जो भी कलर आपको अच्छा लगे फ्लावर के लिए। तो देखिए ये जो है हमारा रेडी हो चुका है एंड देन हम इसे दिखाएंगे तो अच्छे से। तो देखिए गाइस ये कितना मस्त लग रहा है, देखिए जैसा कि आप देख ही सकते हो। और हाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वाटर एंड ट्रीज को सेव रखें, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे पानी बहुत ही कम हो रहे हैं, गर्मी की वजह से चिड़ियाँ मर रही। सो प्लीज़ गाइस जो है ना अपनी छत पे थोड़ा पानी रख दिया करो किसी मटके में, ताकि चिड़ियाँ पी सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द